17 अक्टूबर की रात को सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होता है जिसको कई गोदी मीडिया एक थंबनेल के साथ चलाते हैं कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं पे नसीब ने चलाया चाकू, आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर नसीब का चाकू, क्योंकि नाम नसीब था। कई गोदी मीडिया चैनल्स को लगा कि भाई ये तो मुसलमान ही होगा अपनी जल्दबाजी में, ये यूं कहिए जानबूझकर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, इस घटना को हिंदू मुसलमान आपसी झगड़ा बताने के लिए जानबूझ के इसे चलाया। लेकिन हुआ क्या, बाद में पता चला कि वो नसीब चौधरी है, कोई नसीब खान, नसीब अंसारी या जो भी हो, वो कोई मुस्लिम नहीं है, वो है नसीब चौधरी। उसके बाद में गोदी मीडिया ठंडा बैठ गया। फिर बाद में जब भी न्यूज़ चलाई गई तो उसका पूरा नाम लिखा गया, नसीब चौधरी ये नाम मेंशन किया गया। तो घटना यूँ थी कि 17 अक्टूबर की रात को, यानी कि जुमेरात की रात को, जयपुर के एक शिव मंदिर में आरएसएस कार्यकर्ताओं ने शरद पूर्णिमा के मौके पे खीर वितरण का एक कार्यक्रम रखा था। तो वहाँ पे जागरण का मतलब रात भर जागने का भी लोगों का प्लान था उस दिन, जागरण जिसे कहा जाता है। अब वहाँ उतने में एक शख्स आता है, सीसीटीवी में आप देख सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज में वो वीडियो में नज़र आ रहा है, साफ स्क्रीन पर आप देखिए, एक शख्स आता है जो खीर बन रही थी उसको लात मार के गिरा देता है। फिर उसके बाद में मंदिर के अहाते में जो कुछ बच्चों के साथ में बैठे हुए लोग हैं, एक महिला है, तो मंदिर के अहाते में जो बच्चों के साथ बैठे हुए लोग हैं वो हड़बड़ा जाते हैं और वो भी बाहर निकल के देखते हैं कि हुआ क्या है। फिर उसके बाद में मामला और बिगड़ता है और वो शख्स जिसका नाम नसीब चौधरी है, उसके हाथ में चाकू होता है, वो चाकू से वार करना शुरू करता है और तकरीबन इसकी वजह से 10 लोग घायल हो जाते हैं। उसके बाद गोदी मीडिया पे चारों तरफ अफवाह उड़ जाती है कि नसीब ने चलाया आरएसएस कार्यकर्ताओं पे चाकू। तो जब पता चला कि ये नसीब चौधरी है तो गोदी मीडिया थोड़ा ठंडा हो गया। लेकिन अभी हुआ यूं कि शनिचर को, यानी कि कल, जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा एक नोटिस नसीब चौधरी के मकान पर चिपका दिया गया और उसे महज 24 घंटे का टाइम दिया गया कि जल्द से जल्द इस मकान को खाली करो, ये मकान आपका अवैध है, इस पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। अब उसे 24 घंटे का टाइम दिया गया, लेकिन हुआ यूं कि अगले ही दिन, यानी कि आज इतवार को सुबह सुबह ही बुलडोजर पहुंच गया और उसका एक मकान जिसे बताया जा रहा है कि अवैध जगह पे है, मंदिर के अहाते यानी कि मंदिर की जगह पे बनाया हुआ है ये, उस पर बुलडोजर चला दिया गया। तो जो एक शेर है ना, लगेंगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, तो अभी वो शेर थोड़ा सा बदल गया है, लगेंगी नहीं, लग रही है आग और आ रहे हैं घर कई सदमे, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। क्योंकि आप बहराइच के उस मामले को भी देखिए, तकरीबन 23 लोगों को, यानी कि 23 लोगों के मकानों पे जो पोस्टर चिपकाए गए, वार्निंग लेटर जारी किए गए, उसमें से तकरीबन 4 घर मुसलमानों के, 4 घर हिंदुओं के, 19 घर मुसलमानों के, तो साफ है कि जहाँ जहाँ पर भी मकान टूट रहे हैं, ये बुलडोजर बाजी की जा रही है, बुलडोजर के जरिए से गुंडागर्दी की जा रही है, यूँ कहिए ये गैरकानूनी काम है। अगर से किसी ने कोई जुर्म किया और उसकी सजा के तौर पे आप उसको बुलडोजर के जरिए उसके अवैध निर्माण को भी हटा दे रहे हो तो ये भी गलत है। सुप्रीम कोर्ट का पूरी तरीके से इस पर प्रतिबंध है कि भाई बुलडोजर अभी नहीं चलेगा। आप जब आप सिर्फ चला उस मकान पर, दुकान पर आप बुलडोजर चला सकते हो जो अतिक्रमण की जगह पे है, लेकिन किसी ने अगर से कोई जुर्म किया उसकी सजा के तौर पर आप अगर से उसके मकान पर बुलडोजर चला रहे हो, चाहे वो अवैध जगह पर भी क्यों ना हो, वो ठीक नहीं है। तो बात करूंगा मैं अभी इस वीडियो की जो वायरल हो रहा है नसीब चौधरी का। गोदी मीडिया एक पॉइंट को छुपा रही है, वो मैं बताना चाहूंगा आपको। जुमेरात की रात को जब ये वीडियो वायरल हुआ ट्विटर पे, तो बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट और पत्रकारों ने साफ साफ तौर से कहा था कि नसीब चौधरी की जो बीवी है उनको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, वहां बज रहे डीजे से बहुत जोर से बजाया जा रहा था, तो उन्होंने जाके कहा कि भाई आवाज कम कीजिए। फिर उसके बाद में दोनों पक्षों की आपस में बहसबाजी, तो उसके बाद दोनों पक्षों की आपस में बहसबाजी हुई। फिर उसके बाद वो लोग नहीं माने तो नसीब चौधरी आया और सीधा आगे जो खीर बन रही थी उसको लात मार दिया और चाकू लेके आया था, तो फिर इधर से जो 10-15 लोग गए उन पर भी उसने चाकू से वार कर दिया। तो मामला ये था, लेकिन गोदी मीडिया ये पॉइंट आपको नहीं बताने वाला कि नसीब चौधरी ने आखिर चाकू चलाया क्यों, नसीब चौधरी आखिर आया क्यों वहाँ पर। तो वो आया इसीलिए था क्योंकि ये जोर जोर से जो गाने, जो धार्मिक गाने बजाए जा रहे थे, उसकी आवाज़ से वो परेशान था, उसकी फैमिली परेशान थी और कहा जा रहा था इसकी आवाज़ को कम करो यार, लेकिन कम करने को तैयार नहीं। तो ऐसा है, तो हर जगह हिंदू मुसलमान करने वाली ये गोदी मीडिया
अभी थोड़ी सी, अभी 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ, नसीब चौधरी कर रही है। अगर से वहाँ पे कोई नसीब खान होता तब तो फिर सोचो इनके थंबनेल क्या खतरनाक होते हैं।